एक किलो चिकन है दोस्तों, इसको धो लिए है। और देखिए 100 ग्राम दही है, और ये जीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ये कश्मीरी पाउडर है, और ये धनिया पाउडर है, ये 3 तेज़पत्ता है, और ये जीरा है थोड़ा सा, और ये इलायची है छोटा और बड़ा, और दालचीनी, और देखिए ये गरम मसाला है, और ये चिकन मसाला है, और ये मिर्ची पाउडर है, और ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये बिरयानी शाही मसाला है। इसको सब एक ही में मिक्स करेंगे, और नींबू है इसी में इसको डालेंगे, और इसको मिक्स करके 1 घंटा रख देंगे फ्रिज में। बिरयानी मसाला डाल रहे हैं, और ये गरम मसाला है, और ये चिकन मसाला है डाल रहे हैं। अपने हिसाब से डालिएगा, हम तो अपने अंदाज से सब डाल रहे हैं। और ये देखिए सब मसाला जो है इसको इसी में डाल देंगे, और ये दही जो है ये भी डाल देंगे, और देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और ये नींबू जो है इसको कट करके इसी में डाल देंगे, और ये भी इसी में डाल देंगे साथ में। अब इसको मिक्स करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए मिक्स कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा से मिक्स हो जाएगा ये। 1 घंटा के बाद बनाएंगे बिरयानी, एकदम मस्त बनेगा ये। कभी भी बनाना तो 1 घंटा के टाइम देना है इसको, चिकन को, नहीं तो 2 घंटा देना तो और अच्छा बनेगा, लेकिन ज़्यादा जल्दी है तो 1 ही घंटा। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, मिक्स कर देंगे। देखिए अभी लुक कितना अच्छा आ रहा है, बनाएंगे तो कितना अच्छा दिखेगा। 1 पाव सेवई है बारीक वाला, और 1/2 kg चीनी है, और 100 ग्राम ये नारियल घिस लिए हैं, 3 इलायची है, और कलर फ्रूट है, और ये देसी घी है, इससे बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और ये दूध है। जा रहे हैं सेवई, धनिया पत्ती कटिंग हो चुका है दोस्तों, और ये प्याज है, और ये देखिए मिर्ची है, इसको फ्राई करेंगे तो उसी में चिकन डालेंगे, और थोड़ा चटपटा बनेगा तो अच्छा लगेगा, इसीलिए हरा मिर्ची डाल रहे हैं। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसी में चिकन चल रहा है डालने, और देखिए इधर काकड़ी भी छील लिए हैं, अभी चल रहा है इसको कटिंग करने, रायता बनाने के लिए। दोस्तों हम 1 घंटा बोले थे, 1 घंटा और ज़्यादा ही रख दिए हैं, जितना ही रखो उतना ही अच्छा बनता है, और बाकी का इसमें कुछ नहीं डालना है, बस इसको खाली पकाना है, पानी वानी कुछ नहीं डालना है, ऐसा ही पक जाएगा, वो पानी बहुत छोड़ देगा धीरे धीरे करके। चावल भी हो चुका है, कम से कम 2 कानी कच्चा रहना चाहिए, तभी दम बिरयानी बनेगा। काकड़ी का देखिए कटिंग हो चुका है, अभी इसको खाने का टाइम रहता बनाएंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा चिकन बन चुका है, और देखिए अच्छे से गल भी गया है, आपको दिखा रहे हैं, देखिए अभी गर्म है, अच्छे से गल गया है एकदम, और इसी में धनिया पत्ती डाल देंगे, और डाल के इसको उतार देंगे, मिक्स करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों 2 कानी बताए थे आपको ना, कि चावल कच्चा रखोगे ना तो एकदम भरभरा बनेगा, देखिए इसी में चिकन डाल लिए हैं, और अब इसी में चावल डालेंगे, डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपको डालना रहे, भर भर के डाल रहे हैं धनिया पत्ती, अभी मार्केट में आ रहे हैं, जब कम आएगा तो कम डालेंगे। भी
बिरयानी तो कई तरीके से बनता है, अपने जैसे मन करे वैसा बनाइए, बहुत रंग से बनता है बिरयानी। अपने हिसाब से बनाइए और बच्चों को खिलाइए और खाइए। मेहमान आते हैं ना दोस्तों, तो हम बहुत खुश होते हैं। हमारे घर पे हमारे एक मेहमान आने वाले हैं घर पे, इसीलिए बना रहे हैं। ऐसे तो हम ऐसा ही बनाते हैं, लेकिन आज मेहमान आ रहे हैं इसके लिए बना रहे हैं दोस्तों। इसी में जो धनिया पत्ती बचा हुआ है इसको डाल देंगे, और डाल के अभी कलरफुल डालेंगे। देखिए अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको दम करेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको ऐसे करके इसको दम करेंगे, उसके बाद में आपको दिखा रहे हैं। हमारा सेवई बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। बताए हैं मेहमान आने वाले हैं, देखिए एकदम मीठा वाला बना हुआ है। एक चम्मच खाने का, दो चम्मच तो बिल्कुल नहीं खा पाओगे दोस्तों। हमारा बिरयानी दम बन के तैयार हो चुका है। देखिए चावल कितना खिला खिला बना हुआ है, एकदम मस्त बना है। चल रहे रायता बनाने, इसमें चाट मसाला डाले हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है। चल रहे हैं सॉप करने। देख ये सॉप करके आपको दिखा रहे हैं, मेरा रायता और बिरयानी तैयार है।